नमस्कार दोस्तों, एडवांस लर्निंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विनोद कुमार भट्ट आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास एक दादी पोती एक चैनल है, वो मेरे पास आया था कि बोला सर हमारा गज नहीं घूम रहा। जो ये गज है ये वाला, ये जो एक जगह स्थिर हो गया है, हमें अब ये इसको तो हम जुगाड़ मशीन बताएंगे कि आपको किस तरह, जैसे अभी मैं इसको इधर लेता हूँ लेकिन देखिए गज जो है अपनी जगह बिल्कुल स्थिर है। और ये देखिए ये ऐसे ऐसे हम इसको भी करेंगे, लेकिन क्या है कि ये बाहर की तरफ ही रहेगा, ये अंदर की तरफ नहीं आ रहा। हम इसको घुमाएंगे तो एक ही जगह करेगा, ये सिर्फ एक ही जगह मूवमेंट कर रहा। तो हम ये चाहते हैं कि ये इस तरह इस तरह इस तरह मूवमेंट करता रहे। और दोस्तों इसकी सेटिंग, ये जो डिस्क है इसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले ये तो ये है कि सबसे मेन डिस्क इसकी यही है, बाकी और भी डिस्क होंगी वो आपके पर यूज़फुल होंगी। मैं धीरे धीरे आपको जैसे जैसे मौका मिलेगा, जैसे जैसे समय मिलेगा, मैं आपको बताता रहूँगा। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमारे जो ये रॉड है, गज जो है वो मूवमेंट नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बहुत बड़ी चीज़ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, मैंने इसके अस्तर पंजर हिला दिए हैं ताकि आप ये चीज़ नोट कर सकें। दोस्तों मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ इस मशीन के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों जानकारी ये है कि अगर आपका गज नहीं हिल रहा ये, तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो यहाँ पर दिक्कत है, जो यहाँ पे ये हमारा ये लीवर लगता है, या जो ये लूज़ है, या इसके अंदर एक स्प्रिंग लगती है। वो स्प्रिंग मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये जो स्प्रिंग है, अगर ये स्प्रिंग अपनी जगह से हिल जाएगी तो ये जो गज है आपका, ये जो बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो गज है ये मूवमेंट नहीं करेगा आपका बिल्कुल भी। ये जो गज है आपका बिल्कुल मूवमेंट नहीं करेगा। अब आप देख पा रहे हैं जैसे ये मशीन बिल्कुल आपकी चल रही है। आपको चेक करना है कि ये स्प्रिंग निकली कि नहीं निकली, ठीक है। बाकी इसकी सेटिंग मैं आपको बताऊँगा, ये सेटिंग कब होगी जब ये स्प्रिंग आपकी लगेगी। हो सकता है कि मैं आपकी जब फिट करूँगा तो आपको सबसे पहले स्प्रिंग देखनी है कि वो लगी हुई है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने सुई ले ली है दोस्तों, देखिए एक निडल ले ली है, धागा भी लगा दिया उसके अंदर। और इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ ये जो एक अच्छा सा धागा लेंगे, मजबूत धागा जो ताकि टूटे नहीं, इस तरह का धागा ले लेंगे और इसमें यहाँ पर इस प्रकार से फंसा देंगे। अब देखिए दोस्तों हमने ये फंसा दिया है सुई के साथ में, और यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि ये क्या करता है, ये जो लीवर है ये वाला लीवर, इसको जकड़ के रखता है, अपनी तरफ खींच के रखता है, लेफ्ट राइट इसी को खींच के रखता है। तो देखिए दोस्तों आपको मैं दिखाना चाहूँगा, मैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो होल है, ये जो होल दिख रहा है, ये होल यहाँ पर हम सुई डालेंगे इसके अंदर इस प्रकार से। ये जो सुई है, जब हमने धागा डाला था जिसके अंदर पीछे ये देखिए स्प्रिंग लगा रखी है मैंने, दिखाना चाहूँगा आपको, ये स्प्रिंग डाल दी है और यहाँ से हम एक सुई डालेंगे इसके अंदर, और ताकि वो उस प्रकार से दूसरी तरफ निकल सके, ये हमने इसमें डाल दिया है, ठीक है दोस्तों। इसमें हमने ये डाल दिए है, देखिए हमने मशीन को उल्टा किया। पहले बात तो आपको ये चेक करना है कि मशीन की जो ये स्प्रिंग निकली हुई है या नहीं। अगर नहीं निकली है तो आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, अगर निकल गई है तो इसको नापने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये देखिए लेवर का स्टैंड इधर है। अब मैं इस मशीन को लीवर को घुमाता हूँ, देखिए ऊपर से इसको नीचे कर देता हूँ। अब लीवर देखिए कहाँ जाएगा, लीवर अपनी जगह है, क्यों, क्योंकि मैंने ये जो स्क्रू है ये ढीला कर दिया है। ये जैसे अगर आपका स्क्रू ढीला होगा तो आपका लीवर काम नहीं करेगा, लेकिन ये वाशर इसलिए लगा रखा है दोस्तों, मैंने सिर्फ पिक्कू की मशीन बना रखी है इसको, इस वजह से। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको नीचे कर देना है। देखिए आपको सुई दिखाई दे रही होगी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए आपको ये निडल सुई दिखाई दे रही है ये वाली, इसको हम यहाँ से निकाल देंगे बाहर। देखिए दोस्तों हमने वो जो सुई डाली थी इसको नीचे कर देना है बिल्कुल, कुछ भी स्थिति हो इसको नीचे कर देना है। मैं आपको इसकी पोजीशन भी बताऊंगा। ये जैसे यहाँ से ऊपर नीचे करेंगे इसको, ये नीचे करने से क्या आपको जो ये हुक दिख रहा है,
मैं ये दिखाना चाहूँगा आपको नज़दीक से। देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर स्प्रिंग लगती है ये वाली, इस जगह मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। देखिए तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, देखिए मैं इस धागे को खींच रहा हूँ, ये देखिए स्प्रिंग आप ऑटोमेटिक वहाँ से चली आएगी यहाँ से। ये देखिए अभी इसे स्प्रिंग है, ये आ गई। देखिए आपको क्लोजअप करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये आ गई स्प्रिंग, देख रहे हैं दोस्तों। तो हमको कुछ नहीं करना है, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, तो मैंने ये जो स्प्रिंग है, ये जो लीवर दिख रहा है आपको, ये दिखाऊंगा आपको। देखिए ये देखिए इसमें, इसके अंदर हमारी स्प्रिंग फंसेगी। तो मैं क्या करूँगा, इस धागे को खींचूँगा यहाँ से। धागे को खींचने के बाद ये जो आपको हुक दिख रहा है, ये देखिए इसमें, इसके अंदर हमारी स्प्रिंग फंसेगी। तो मैं क्या करूँगा, इस धागे को खींचूँगा यहाँ से। धागे को खींचने के बाद ये जो आपको हुक दिख रहा है, मैं इसको फंसा दूंगा। ये जो हुक निकल रहा है बाहर का, ये जो धागे से खींचा है मैंने, वो निकाल के मैं ये जो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं दूर से ये वाला, ये यहाँ पर स्प्रिंग फंसेगी इसके अंदर। तो मैं स्प्रिंग फंसा के दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों देखिए मैं स्प्रिंग इसको फंसा रहा हूँ पेचकस की सहायता से, और ये देखिए दोस्तों मैंने इसको अटका दिया है। आपको दिखाना चाहूँगा क्लोजअप करके, वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि इसके जो मैकेनिक होते हैं वो बड़ी मुश्किल से ही मिल पाते हैं आपको। आप देख पाएंगे यहाँ पर, ये देखिए ये स्प्रिंग आपके पीछे से आ रही है और यहाँ पर हमने इसको लगा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अब जो भी इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको स्प्रिंग देखनी है, स्प्रिंग ये टूटी तो नहीं है या निकली तो नहीं है। अब दोस्तों क्या इसकी बारी है, स्प्रिंग तो हमने लगा दी है। इस लीवर के बारे में बहुत थोड़ा एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वो इसलिए बनाऊंगा क्योंकि ये जो लीवर है हमारा अधिकतर मशीनों का काम नहीं कर रहा होगा, लेफ्ट राइट कर रहे हैं लेकिन ये आपका गज बराबर घूम नहीं रहा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमको जो डिस्क है इसकी, ये डिस्क है, इसको हल्का सा ग्रीस लगा के रखिएगा हमेशा, क्या इसके ऊपर ग्रीस लगा के रखिएगा। वो इसलिए कह रहा हूँ, ग्रीस कम होती है तो उसके ऊपर तेल लगा सकते हैं मशीन का, लेकिन आपको इसके ऊपर तेल देना या ग्रीस देना लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसके ऊपर अपन हम कुछ नहीं करेंगे तो ये एक तो मशीन हार्ड हो जाएगी, दूसरा मशीन आवाज़ करेगी, तीसरा जो है ये डिस्क आपकी घिस जाएगी, और डिस्क आप मार्केट में लेने जाओगे वो आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ये इसके हुक दे रखा, देखिए यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से लगाते हैं जैसे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस प्रकार से जैसे इसको लगा दिया, हम क्या करेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से इस प्रकार से लेकर इसके ऊपर लगा देते हैं, लेकिन ये डिस्क जो अपना काम नहीं करती। तो आपको कुछ नहीं करना, अब जैसे अभी मैंने लगा दिया इसको, कोई बात नहीं, अभी इस डिस्क को मैं निकालूंगा, थोड़ा सा इसको क्लोज ले लूँगा इस तरह से। देखिए इस तरह से क्लोज ले लिया, और एक बड़े पेचकस से यहाँ से इसको मैं कस देता हूँ, छोटे बड़ा तो आएगा नहीं, छोटे पेचकस से मैं इसको यहाँ से कस देता हूँ। ये देखिए ये जो स्क्रू है, यहाँ से इसको मैं कस देता हूँ। ये देखिए थोड़ा क्लोज ले लिया मैंने इसको, आप भी इस तरह की प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। मैं लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ दोस्तों आपको, वो जब तक ये स्क्रू आपको कसा नहीं जाएगा, आपकी जो मशीन है वो काम नहीं करेगी। ये देखिए दोस्तों मैंने इसको कस दिया है, अब देखिए इसको भी मैं यहाँ से थोड़ा बड़े पेचकस से थोड़ा घुमा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने कस दिया, इसको लगाने का ये तरीका देखिए। अब देखिए गज इसका हिलने लगा है, जैसे मैं इसको लूँगा ऊपर, ये देखिए, ये देखिए गज हिलने लग गया इसका। अब मैं आपको इसमें डिस्क लगा कर दिखाता हूँ। डिस्क हम क्या करेंगे, जो कट का कट मार के इसमें लगाएंगे, और इसको यहाँ से इसको इस प्रकार से ले लेंगे, इसको पर लगा दिया देखिए दोस्तों। और उसके बाद हम जो इसका जो स्क्रू है वो कस देते हैं। ये उन्हीं के लिए है दोस्तों जिसका, जो मेरे पास कमेंट आया था बोले सर हमारा गज नहीं हिल रहा। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको ये कर दिया है, अब देखिए इसका गज जो है
ये देखिए, ये लेफ्ट में जा रहा है, ये लेफ्ट में जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे। मैं अभी देखिए, ये हमने बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट कर दिया इसको। और रही बात इसकी, ये लीवर जब ये आपका फिट होगा तब ये यूज़ करेंगे इसको। अभी हमने जैसे इसको यहाँ पर ले लिया, देखिए दोस्तों, इसको कहीं भी आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जो इसकी स्थिति है, देखिए मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये इस तरह में। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कस देंगे स्क्रू से, क्योंकि इस समय इसको राइट लेंगे तो ये गज जो है राइट से लेफ्ट चलेगा, और इसको हम लेफ्ट लेंगे तो गज जो है लेफ्ट से सेंटर, नहीं सॉरी दोस्तों, इसको अगर इस तरफ लेंगे तो क्या करेगा, ये राइट से सेंटर चलेगा, और इसको अगर लेफ्ट लेंगे तो ये सेंटर से लेफ्ट चलेगा। देखिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको, मतलब इस मशीन का जो जुगाड़ सिस्टम है वो मैंने कर रखा है, आप देख पा रहे होंगे। जैसे मेरे पास, तो मैं इसको कस देता हूँ आपके लिए, ये देखिए हमने कस दिया इसको। अब मैंने इसको यहाँ लिया तो ये क्या करेगा, गज जो है, होंगे कि मैंने आपको गज लगाना सिखा दिया है, और जो लीवर सेटिंग है उसकी भी मैंने आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेटिंग है इस लीवर के साथ में होती है, जैसे राइट से सेंटर, सेंटर से लेफ्ट, ये इसके साथ हम करेंगे। तो इसको हम परमानेंट फिक्स करना सीखेंगे कि किस प्रकार से। अब मैंने क्या कर रखा है दोस्तों, ये देखिए, ये जो मैंने इसके ऊपर कस दिया है, और ये स्प्रिंग होती है वो यहाँ पर लगती है, वो वाली स्प्रिंग है, या अम्ब्रेला मशीन की भी, या नॉर्मल मशीन की किसी की भी ले सकते हैं। तो मैंने इसको क्या है यहाँ पर अटका दिया है, ताकि वाइब्रेशन से ये सीधा ना हो जाए। कभी कभी हम पीकू करते हैं तो मशीन क्या करती है, चलते चलते ये सीधा हो जाता है, सेंटर में आ जाता है, इसलिए फ्रंट से स्प्रिंग लगाई हुई है। अगर आप लेफ्ट की करना चाहते हैं तो इसको लेफ्ट कर दीजिए, और यहाँ से एक ड्रिल करके स्क्रू कस दीजिए, ताकि आप इस तरह हिले नहीं। तो आपको इस लीवर को सेट करना मैं बताऊँगा। ये देखिए, मैंने टाइट कर रखा है, लूज़ कर रखा है, आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, इसमें सिलाई नहीं करनी है, आपको सिर्फ पीकू करना है। नेक्स्ट वीडियो मेरा पीकू के ऊपर होगा, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर जो गज है हमारा हिल नहीं रहा है, तो आपको गज मैंने ला के दिखा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक फर्ज बनता है आपका, और पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके आऊँगा, आप इस मशीन के ऊपर कमेंट करिएगा, जिस प्रकार से डिस्क है, आप कुछ नहीं करना। आप मेरे पास कमेंट आया था सर डिस्क के बारे में, बताइए, आप एक कपड़ा लीजिएगा साहब, और ये डिस्क हटाइएगा, दूसरी डिस्क लगाइए, उसमें क्या डिज़ाइन दे रहा है आपको, तीसरी लगाइए क्या डिज़ाइन दे रहा है, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इस मशीन की खासियत क्या है। पहली बात तो ऐसे है कि यही मेन होता है जो हम पीकू करते हैं उसके ऊपर। अब मैं जिग जैग भी इसको बता सकता हूँ, और कोशिश उम्मीद करूँगा कि इसके ऊपर आपको जिग जैग करना भी सिखा सकूँ, क्योंकि ये मशीन ऐसी है कि जिग जैग के अंदर भी थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। अब इससे पहले वीडियो मैंने देखा होगा आपने मेरा, कि फुल फिटिंग के बारे में मैंने आपको बताया है, तो उम्मीद करता हूँ वो वीडियो भी आपको पसंद आ रहा होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको अच्छा लगा मुड़के, ये नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपके, तब तक के लिए धन्यवाद।